नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने संघीय सरकार के बारे में पढ़ा था कि संघीय सरकार किस प्रकार की है, कितने प्रकार की है और भारत ने कौन सी प्रणाली अपना रखी है। उसके बाद में हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति का पद कितने साल के लिए होता है, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, शपथ कौन दिलाता है और कितनी वोट वैल्यू होती है, ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्येक राष्ट्रपति की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं, आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति। हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारा टॉपिक है। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले हम एक जापानी ट्रिक करेंगे जिसके अंदर हमारे सारे के सारे राष्ट्रपति आते हैं। और वो जापानी ट्रिक क्या है, जापानी ट्रिक है राजा वी फनी ग्यावेस के महल से क्लाम बाहर कोमा प्रतिभा कोमा प्रणव और कोविंद अंदर गए। ठीक है, ये हमारी जापानी ट्रिक है। इसके अंदर आप देखोगे कि सारे के सारे राष्ट्रपति आ जाते हैं। चलो देखते हैं कैसे हमारे इसके अंदर सारे के सारे राष्ट्रपति छुपे हुए हैं। राजेंद्र से हो गया राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। रा से हो गया राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। जा से हो गया जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। वी से हो गया वीवी गिरी, वीवी गिरी। फै से हो गया फक्रुद्दीन, नी से हो गया नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। ग्या से हो गया ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। वे से हो गया वेंकट रमन। से से हो गया शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। के से हो गया के आर नारायण, के आर नारायणन। कलाम से हो गया एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। प्रतिभा से हो गया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणव से होगा प्रणव मुखर्जी, प्रणव मुखर्जी। और कोविंद से होगा रामनाथ कोविंद। कौन से हो गए, रामनाथ कोविंद। यह हमने जापानी ट्रिक पढ़ी थी, क्या था कि राजेंद्र राजा वी फनी ग्यावेस के महल से कलाम बाहर प्रतिभा प्रणव और गोविंद अंदर गए। यानी कि राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फकरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जेल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा, वेंकट रमन, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद। ये हमारी जापानी ट्रिक थी। एक बार आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, जापानी ट्रिक के बाद में हम राष्ट्रपति के बारे में, प्रत्येक राष्ट्रपति के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। और आपको पता है कि देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो शुरुआत करते हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से शुरुआत करते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद का टाइम पीरियड की बात करें तो 1952 से लेके 57 तक एक पीरियड था और 1957 से लेके 62 तक एक पीरियड था, यानी कि 1952 से लेके 1962 तक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति थे। क्या थे ये? ये देश के पहले राष्ट्रपति, देश के प्रथम राष्ट्रपति। और क्या थे? राष्ट्रपति बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले, बनने से पहले संविधान सभा के, संविधान सभा के सभापति थे। के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या थे? संविधान सभा के सभापति। आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के सभापति कौन थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। उसके बाद में क्या था? तीन बार शपथ लेने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब इन्होंने तीन बार शपथ क्यों ली, कैसे ली, किस वजह से ली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या था? सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। ये दो बार ही बन चुके हैं, ठीक है। कितनी बार बने? दो बार बने। और एकमात्र राष्ट्रपति जो मनोनीत भी थे, मनोनीत व निर्वाचित थे, ठीक है। अब मनोनीत और निर्वाचित से क्या संबंध है? देखो, हमें पता है कि हमारा संविधान कब लगा था, 1950 को हमारा संविधान लग गया था। और 1950 को क्या था कि राष्ट्रपति बन गया था हमारे यहां पर, तो उस टाइम पर चुनाव हुए नहीं थे। आपको पता, आम चुनाव 51-52 के अंदर हमारे आम चुनाव हुए हैं। तो क्या था, राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या मान लिया था? पहला राष्ट्रपति मान लिया था, यानी कि 50 से लेके 52 का जो टाइम पीरियड था वो हमने मान लिया था मनोनीत था। तो इसलिए क्या था, उनको उस टाइम पे क्या दिला दी? शपथ दिला दी। एक बार तो उस टाइम पे होगा, फिर बाद में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर फिर ये चुनाव लड़ा इन्होंने, चुनाव के अंदर ही क्या हुए, जीत गए। फिर इन्होंने दोबारा शपथ ली, फिर एक बार फिर चुनाव हुए, यानी कि एक टाइम पीरियड पूरा करने के बाद में 5 साल बाद में राजेंद्र प्रसाद फिर अगली बार फिर चुने गए। तो इस प्रकार से कुल कितनी बार शपथ ली उन्होंने? उन्होंने 3 बार शपथ ली। याद रखना, किसी बुक में आपका 50 से लेके 62 तक टाइम पीरियड होता है, यहां पर हमने 52 से लेके 62 पढ़ा है, यहां पर आपको किस में मिलेगा? 50 से लेके 62 का टाइम पीरियड मिलेगा। पता क्या, 50 से 52 है ना, 1950 से लेके 1952 का जो टाइम पीरियड था, इस दौरान इलेक्शन हुए थे हमारे, ठीक है। क्या हुए थे? इलेक्शन नहीं हुए थे, और उस टाइम पे हमने क्या कर लिया था, इनको मनोनीत मान लिया था हमने, अपने तरफ से क्या कर दिया था, इनको मना दिया गया था, ठीक है। हमारे यहां पर संसद ने, सभी ने एकजुट होकर बोला कि भी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन बनेंगे, राजेंद्र प्रसाद बनेंगे, तो ये बना दिया गया था। हालांकि चुनाव नहीं लड़ा था इन्होंने उस टाइम पे, तो ये मनोनीत थे, इसलिए इन्होंने कितनी बार शपथ ली थी? 3 बार शपथ ली थी। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म बिहार के अंदर हुआ था। इनका जन्म की बात करें, जन्म था वो बिहार के अंदर हुआ था, ठीक है। उसके बाद में है राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद के बाद में कौन आएंगे? राधाकृष्ण आएंगे। तो अगले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, कौन से हैं अगले? सर्वपल्ली राधाकृष्ण अगले राष्ट्रपति है। इनका टाइम पीरियड की बात करें तो 1962 से लेके 1967 तक देश के राष्ट्रपति बने थे। कब से कब बने थे ये? 62 से लेके 67 तक देश के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। अब इनके बारे में क्या है, ये थे प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति,
कौन थे वो? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। वह पहले दार्शनिक राष्ट्रपति, ठीक है, वह पहले दार्शनिक राष्ट्रपति भी यही थे। उसके बाद में है पहले राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ही थे जो उपराष्ट्रपति से क्या बन गए थे? राष्ट्रपति बन गए थे। और क्या था इनके? इन्हीं के टाइम पे इंडो चाइना वार हुआ था, 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था। कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1962 को इंडो चाइना वार, चीन युद्ध इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और क्या था? इन्हीं के टाइम पे इंडो पाक युद्ध भी हुआ था, भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था। इंडो पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1965, ठीक है। और क्या था पता है? ये राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न मिल गया था। और क्या था इनके बारे में? राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल गया था इनको। भारत रत्न मिला था इनको। कब मिला था? 1954 के अंदर। देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, वो इन्हीं को मिला था। और टीचर्स डे की बात करें, टीचर्स डे इन्हीं की जन्म पे बनाया जाता है। कब? 5 सितंबर। 5 सितंबर को कौन सा डे बनाया जाता है? टीचर्स डे बनाया जाता है। टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस इन्हीं की याद में मनाया जाता है, ठीक है। किसकी याद में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में ही बनाया जाता है टीचर्स डे। फटाफट याद तक आप स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्णन के बाद में अगले आते हैं जाकिर हुसैन। कौन से आएंगे? जाकिर हुसैन अगले राष्ट्रपति है। जाकिर हुसैन 1967 से लेके 1969 तक बने थे। कब से कब थे? 1967 से लेके 1969 तक। अब देखो इनका कार्यकाल कितने साल का था? इनका कार्यकाल 2 साल का था। और हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए होता है। पर आप बता, जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? वो जाकिर हुसैन ही थे। प्लस में पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भी यही थे, ठीक है। और एक पहले राष्ट्रपति जो पद पे रहते मृत्यु होने वाले यही थे। पहले राष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई वो कौन थे? वो भी जाकिर हुसैनी थे। और क्या था? इन्हीं के समय में प्लान हॉलीडेज स्टार्ट हुआ था। प्लान हॉलीडेज इन्हीं के टाइम पे हुआ था। 1967 से 1969 तक क्या हुआ था? प्लान हॉलीडेज। और पता है इनके कार्यकाल में, इनके समय में ही मनोहर होलकर दिल्ली ने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। ठीक है। पता, मनोहर होलकर पहली महिला थी जो इलेक्शन लड़के गई थी। और क्या था इसके साथ में? उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। प्लस में ये मनोहर होलकर क्या थी, कौन थी मनोहर होलकर? ये दिल्ली की
जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की संस्थापक थी। क्या थी? संस्थापक थी। कौन थी ये? मनोहर होलकर। तो जाकिर हुसैन पहले राष्ट्रपति थे, जिसकी पद पर रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब देखो, हमने पहले क्या पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, अगर राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है तो उसको कौन भरता है? उपराष्ट्रपति इसको भर देता है। हमने क्या पढ़ा था? हमारे पास में तीन वो है, देखो, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। ये चीजें हैं हमारे पास में, ठीक है, तीन चीजें हैं। अब देखो, अगर राष्ट्रपति पद खाली हो जाता तो कौन आ जाता? भी उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति पद ग्रहण कर लेता है। ये कार्यवाहक होता है, टेम्परेरी होता है, 6 महीने के लिए होता है। अगर मान लो ये दोनों पद खाली हो जाए, मान लो उपराष्ट्रपति पद भी खाली हो जाए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या बन जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। और इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में कितनी बार हुआ है? सिर्फ एक बार हुआ है। अब पता क्या है, जैसे जाकिर हुसैन की पद पर रहते मृत्यु होती है, तो उस टाइम पे हमारे यहां पर क्या था कि वीवी गिरी है उपराष्ट्रपति थे, तो वीवी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति है, जैसे पद खाली हुआ तो क्या बन जाते हैं? वो देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो वीवी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। तो वीवी गिरी कौन थे? पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते। तो इनके बाद में आता है वीवी गिरी यानी कि वराह गिरी वेंकट गिरी, वराह गिरी वेंकट गिरी, वीवी गिरी आ जाते भी यहां पर, ठीक है। टाइम पीरियड क्या था इनका? इनका टाइम पीरियड था 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक, ठीक है, 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक इनका कार्यकाल था। अब ये क्या थे? ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? ये वीवी गिरी ही थे, ठीक है ना, टेम्परेरी बने, यानी कि। और क्या था? एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति एवं निर्वाचित राष्ट्रपति तीनों के रूप में कार्य किया। वो कौन थे भी? ये वीवी गिरी ही थे। और क्या था? राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने वाले भी पहले राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी ही थे। और क्या था? राष्ट्रपति बनने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे भी? वो थे वीवी गिरी, वराह गिरी, वेंकट गिरी। ये ऐसे बंदे थे जिन्होंने क्या था कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया। एक्चुअली क्या था, आपको पता है कि जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में क्या है कि राष्ट्रपति पद है वो खाली हो जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति पद खाली हो गया। तो उसी टाइम पे उपराष्ट्रपति पद पे कौन बैठे हुए थे? वीवी गिरी थे। वो क्या बैठे हुए थे? उपराष्ट्रपति पद पे थे। अब क्या हुआ कि इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है।
क्या बना दिया जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब ये मना कर देते हैं कि भाई मैं 6 महीने के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता, मैं 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, इलेक्शन होना जरूरी है क्योंकि अगला राष्ट्रपति चुना जाएगा, 5 साल के लिए तो इलेक्शन हो गए, कार्यवाहक तो 6 महीने के लिए बनता है। तो इन्होंने क्या किया, यहां से भी उपराष्ट्रपति पद से भी त्याग पत्र दे दिया अपना। जैसे उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देते हैं और प्लस में राष्ट्रपति पद से भी क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, तो दोनों सीटें खाली होगी। दोनों सीट खाली होगी तो उस टाइम पे क्या फिर कौन सी जगह बचती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह बचती है। किसकी जगह बचती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन आएंगे हम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद ग्रहण कर लेते हैं। एक बार आप यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अब क्या था कि वीवी गिरी ने क्या था, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने क्या था, उपराष्ट्रपति पद और राष्ट्रपति पद दोनों से त्याग पत्र दिया, वो कौन थे, वीवी गिरी ही थे। ठीक है, अब देखो हमें पता था कि राष्ट्रपति पद भी खाली हो गया क्योंकि वीवी गिरी कार्यवाहक थे, तो वो वैसे ही खाली था, उन्होंने वहां से भी त्याग पत्र दे दिया। उपराष्ट्रपति पद कौन पे कौन बैठे थे, वीवी गिरी थे, उन्होंने भी वहां से भी त्याग पत्र दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों पद खाली हो गए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नंबर आता है। तो अगले राष्ट्रपति कौन आते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो अगले राष्ट्रपति है मोहम्मद हिदायतुल्ला। ठीक है, अगले राष्ट्रपति कौन बनते हैं, मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये कार्यवाहक ही बने हैं, कार्यवाहक है। आपको पता है ना कि राष्ट्रपति पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति क्या कर लेता है, उसका पद ग्रहण कर लेता है, वो भी कार्यवाहक। अगर उपराष्ट्रपति बना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये कितने मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड होता है, 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। तो ये कार्यवाहक है मोहम्मद हिदायतुल्ला। इनका टाइम पीरियड कितना है, 20 जुलाई से लेके 24 अगस्त 1969 तक इनका क्या है, टाइम पीरियड है। किसका, मोहम्मद हिदायतुल्ला का। अब देखो क्या है मोहम्मद हिदायतुल्ला, एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने हो, जो राष्ट्रपति बने हो वो कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला ही थे। और कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का है कि 1 महीना 4 दिन। ठीक है, कितना है सबसे कम कार्यकाल, 1 महीना 4 दिन। याद रखना कार्यवाहक की बात करो, मैं कार्यवाहक राष्ट्रपतियों की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कौन से थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब देखो इस दौरान में क्या होता है कि मैंने बताया था कि वीवी गिरी ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, दोनों पद खाली होते हैं तो इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन होते वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच में इलेक्शन होते हैं। किस किस के बीच में होते हैं, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी। अब आपने पहली वीडियो के अंदर पढ़ा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कितने परसेंट, 50% वोट मिलना जरूरी है। कितने परसेंट वोट मिलना जरूरी है, 50% वोट मिलना जरूरी है। ठीक है, तो अगले राष्ट्रपति कौन बनते हैं, अगले राष्ट्रपति बनते हैं वीवी गिरी। दोबारा से अब 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं, तो अगला कौन आएगा, फिर से वीवी गिरी वराह गिरी वेंकट गिरी। कौन आते हैं, वराह गिरी वेंकट गिरी, ये दोबारा से राष्ट्रपति चुनते हैं 1969 से लेके 1974। कितने के लिए, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब की बार कितने साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए चुने जाते। और वीवी गिरी के बारे में हमने क्या बताया था, वीवी गिरी है कि त्याग पत्र देकर किससे दिया था, उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दिया था। उपराष्ट्रपति से क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, त्याग पत्र देकर क्या थे, उपराष्ट्रपति से क्या बने, ये राष्ट्रपति बने, वो कौन थे, वीवी गिरी ही थे। और क्या था, इनके निर्वाचन में, इनके निर्वाचन के लिए द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। क्यों भी,
इनको 50% वोट नहीं मिले, 50% वोट न मिलने के कारण, न मिलने के कारण, ठीक है। और क्या था, इनको 50% वोट न मिलने के कारण भी, 50% वोट न मिलने के कारण, कारण भी राष्ट्रपति बना दिया गया, ठीक है। इनको 50% वोट नहीं मिले थे, फिर भी हमने इसको क्या बना दिया, राष्ट्रपति बना दिया। और क्या था, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति भी बने थे, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति भी बने थे, यही थे वो। अब देखो पता क्या हमें, क्या पर एक जापानी ट्रिक पढ़ते हैं कि वो बंदे जो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने कौन कौन से थे, वो थे राधा रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरी, ठीक है। ये वो बंदे थे जो उपराष्ट्रपति से क्या बन गए थे, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनाए गए, ये वो बंदे हैं। कौन कौन से थे, राधा कृष्ण। हमें पता है ना, राधा कृष्ण पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति से क्या बन गए, राष्ट्रपति बन गए। और कौन से थे, वेंकट रमन, जाकिर हुसैन, शंकर दयाल शर्मा, वीवी गिरी। ये वो बंदे थे जो क्या बन गए थे, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए थे। अब पता क्या हुआ, विविग्री का केस लेना, तो सबसे पहले तो विविग्री कौन थे, विविग्री वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या था, उपराष्ट्रपति पद से त्याग पत्र देके क्या बन गए थे, वो राष्ट्रपति बन गए थे। और इनके पता, जब इनका दूसरी बार इलेक्शन हुआ तो इनको 50% वोट नहीं मिले, कितने वोट नहीं मिले, 50%। अब देखो राष्ट्रपति बनने के लिए हमें क्या करता है कि 50% वोट होना जरूरी है, राष्ट्रपति को मिलना जरूरी है। अब इनको, इनके अगेंस्ट में कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे। आगे हम इसको पढ़ेंगे कि नीलम संजीव रेड्डी है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपतियों में से आते हैं, पता है सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने थे, नीलम संजीव रेड्डी ही बने थे। अब पता क्या हुआ कि नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ जैसे ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो इनको 50% वोट नहीं मिले, और 50% वोट नहीं मिलते तो अब क्या होता है कि दूसरा घटना चक्कर चला जाता है, वरीयता के आधार पर क्या किया जाता है, उनको वरीयता के आधार पर चुन लिया जाता है, यानी कि नंबर वन पे कौन चाहता है, नंबर दो पे कौन चाहता है, तो नंबर वन पे क्या हुआ, वीवीगिरी वहां पर बाजी मार जाते हैं। तो इनके टाइम पे ऐसा ही हुआ था, 50% नए वोट मिलने के बावजूद भी इनको क्या बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया था, ठीक है। फटाफट यहां तक आप उसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो विविग्री से आगे हम पढ़ेंगे फखरुद्दीन अली अहमद। अगले कौन से हैं, अगले राष्ट्रपति हैं फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। इनका टाइम पीरियड है 1974 से लेके 1977 तक। अब देखो हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति के लिए कितना टाइम पीरियड होता है, 5 साल, लेकिन इनका क्या 5 साल है, नहीं है। अब देखिए इनके बारे में पढ़ते, क्या था कि देश के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले, पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। तो पहले कौन थे, अब तो पहले हमने पढ़ा था, कौन पढ़े थे पहले, जाकिर हुसैन। याद रखना जितने भी मुस्लिम आएंगे वो पद पे रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाएगी अगर आपको याद करना हो तो, बट एपीजे अब्दुल कलाम को छोड़ देना, एपीजे अब्दुल कलाम की पद पे रहते हुए मृत्यु नहीं होती, ठीक है। तो फखरुद्दीन अली अहमद क्या था, दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे
और पद पर रहते मृत्यु होने वाले भी दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमदी थे। और क्या था, इन्होंने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल लगाया, ठीक है ना, यानी कि इंटरनल इमरजेंसी लगा दी थी फखरुद्दीन अली अहमद। ऐसा माना जाता है कि फखरुद्दीन अली अहमद उस टाइम पे क्या था, राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था, और इंदिरा गांधी ने रात के 12 बजे पे साइन करवा ली थी, स्विमिंग पूल में नहाने लग रहे थे और इन्होंने क्या किया, साइन कर दिया। और रातों रात आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे, आप ये मान के चलो कि अटल बिहारी वाजपेयी था, मदन मोहन मालवीय था और अपने लाल कृष्ण आडवाणी था, इनको रातों रात क्या था, जेल के अंदर डाल दिया गया था, ठीक है। और क्या, फखरुद्दीन अली अहमद सबसे ज्यादा अध्यादेश 35 बार जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ये भी फखरुद्दीन अली अहमदी थे। और 42वां संशोधन 1976 में, कब? 1976 में, इन्हीं के समय हुआ था, ठीक है ना। किनके समय में हुआ था? फखरुद्दीन अली अहमद के समय में हुआ था। और पता, 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन को, ठीक। अब देखो क्या हुआ कि राष्ट्रपति पद पे से क्या हो जाता है कि फखरुद्दीन अली अहमद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है। अब जैसे ही राष्ट्रपति पद खाली होगा तो इसकी सीट कौन भर देगा? उपराष्ट्रपति भर देता है, ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति अब कौन बन के आएगा? बीडी जत्ती अगले राष्ट्रपति बन के आते हैं। कौन आते हैं? बीडी जत्ती। कौन बनते हैं? बीडी जत्ती बनते हैं। कब बनेंगे ये? ये बनेंगे 1977 के अंदर बनते हैं। और बीडी जत्ती के क्या था कि उपराष्ट्रपति से, वाइस प्रेसिडेंट से राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे? राष्ट्रपति बने। और कौन से थे ये? ये तीसरे बने थे। कौन से थे ये? तीसरे, ठीक है। पहले कौन से थे? विविग्री थे। पहले पे कौन सा था? फर्स्ट कौन सा था? विविग्री। सेकंड कौन बने थे? सेकंड बने थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, ठीक है। और तीसरे कौन से बने थे? तीसरे बीडी जत्ती तीसरे बने थे, ठीक है। ये तीसरे कार्यवाहक कौन से थे? तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ये कार्यवाहक थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति है। और क्या था भाई, कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं का है। क्या? कार्यवाहक राष्ट्रपति में सबसे ज्यादा कार्यकाल इन्हीं का था। अब कितना था? 5 महीने का था। कितने दिन का था? 5 महीने का था। फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम यहां से। चलो, बीडी जत्ती के बाद में अगले आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो अगले कौन से आएंगे? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक है? इनका कार्यकाल है 1977 से लेके 1982 तक है। कब से कब तक है? 1977 से लेके 1982 तक है। 77 से 82 इनका कार्यकाल होता है। अब ये क्या था कि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र
एकमात्र राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए हो, निर्विरोध चुने गए ठीक है। वो कौन थे? वो नीलम संजीव रेड्डी ही है। और क्या है? सबसे कम उम्र 64 वर्ष की आयु में के राष्ट्रपति यही थे, ठीक है ना। हमारे सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी ही थे। और 44वां संविधान संशोधन 1978 इन्हीं के समय हुआ। और एकमात्र राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव हारे हो और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए, ठीक है। उसके बाद में आता है ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है ना। अगले राष्ट्रपति कौन आते हैं हमारे? ज्ञानी जैल सिंह अगले राष्ट्रपति आते हैं। और इनका टाइम पीरियड कब से कब है? 1982 से लेके 1987 तक है। कब से कब है? 82 से 87 इनका टाइम पीरियड है। किसका? ज्ञानी जैल सिंह का। अब क्या था ज्ञानी जैल सिंह क्या थे? पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? वो ज्ञानी जैल सिंह ही थे। और सबसे कम पढ़े लिखे राष्ट्रपति वो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह ही थे। और 52वां संविधान संशोधन 1985 इन्हीं के समय हुआ, ठीक है। और क्या था? अवकाश लेने वाले एकमात्र राष्ट्रपति यही है, राष्ट्रपति। और दसवीं अनुसूची कौन सी थी? दल बदल कानून रोक, इन्हीं के समय जोड़ी गई, ठीक है। और क्या था भाई? अगर ज्ञानी जैल सिंह की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह विट्टो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह ही था। अब विट्टो किस पे प्रयोग करी? विट्टो इन्होंने की थी 1986 में डाकघर विधेयक, उस पर इन्होंने विट्टो लगा दी थी और सीधे अक्षरों में बोल दिया इन्होंने विट्टो लगा के कि मैं मना करता हूं, ठीक है। ये वर्ड बोल दिए और क्या किया इसको? डाकघर विधेयक के ऊपर क्या लगा दी? विट्टे लगा दी। हालांकि पता है एक्चुअल में विट्टो लगाने के पीछे क्या था कि इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और राजीव गांधी है राष्ट्रपति को इतनी अहमियत नहीं देते थे किसी भी डिसीजन के लिए, तो इन्होंने उनको सबक सिखाने के लिए ही क्या किया था? विट्टो का इस्तेमाल किया था, ठीक है। याद का फटाफट स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अब क्या था, जैसे आपको पता था कि ज्ञानी जैल सिंह अवकाश लेने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने क्या था कि छुट्टी ले ली थी अपने टाइम पीरियड के दौरान। तो जैसे ही वो छुट्टी लेके चले गए तो क्या हुआ कि राष्ट्रपति पद खाली हो गया। तो राष्ट्रपति पद खाली हो गया तो उनकी जगह किसने भरी फिर, मोहम्मद हिदायतुल्ला ने। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला कब से कब थे, 6 अक्टूबर 1982 से लेके 30 अक्टूबर 1982 तक बने थे, ठीक है। कार्यवाहक ही याद रखना ही है, कौन से है, कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति है। क्यों, ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह अवकाश पर थे, किस पर थे, अवकाश पर चले गए थे। तो क्या हुआ, उपराष्ट्रपति पद क्या होता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है, राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है। तो ये उस टाइम पे उपराष्ट्रपति थे तो क्या बन गई, राष्ट्रपति बन गए। और एक बात याद रखना, एकमात्र दो बार कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले, बनने वाले कौन थे, वो मोहम्मद हिदायतुल्ला। आपने देखा पहले भी मोहम्मद हिदायतुल्ला बने थे, उसके बाद में अगले आते हैं रामास्वामी, रामास्वामी वेंकट रमन, कौन आते हैं, रामास्वामी वेंकट रमन आते हैं, कब से कब, 1987 से लेके 1982 तक बने, ठीक है, 87 से 92 तक बने। अब रामास्वामी वेंकट रमन पता क्या, सबसे अधिक आयु के थे, सबसे सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति, आयु के राष्ट्रपति, ठीक है, कितने के थे ये, 77 वर्ष के राष्ट्रपति बन गए थे भाई, 77 वर्ष के राष्ट्रपति बने थे। और इन्होंने पता क्या, 4 PM के साथ में काम किया है, 4 प्राइम मिनिस्टर के साथ में काम किया है, ठीक है। 4 प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से थे, वो थे राजीव गांधी, कौन कौन से थे, राजीव गांधी, बीपी सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, पीबी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव। और क्या था, 61वां संविधान संशोधन। अब 61वां संविधान संशोधन 1988 के अंदर हुआ था, और इसके अंदर क्या थी कि इसमें मतदाता की आयु, मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी, 18 कर दी थी, ठीक है, वो इन्हीं के टाइम पे पारित हुआ था, ठीक है। कौन सा था, 61वां संविधान संशोधन, मतदाता जो वोटर्स की एज 21 साल थी वो कितनी कर दी गई थी, 18 साल कर दी गई थी। या तक आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, वेंकट रमन के बाद में अगले हैं शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है, कब से कब बने थे, वो 1992 से लेके 1997 तक बने थे, 5 साल का कार्यकाल था इनका, ठीक है। और ये पता है 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। और क्या था, 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 इन्हीं के टाइम पे हुआ था।
और क्या था, इन्होंने चार प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया था। कितने? चार प्रधानमंत्री। याद रखना, वेंकटरमन ने भी चार प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया था, लेकिन अगर टाइम पीरियड की बात करें ना, ज्यादा टाइम किसने किया था? शंकर दयाल शर्मा ने काम किया था। और चार प्रधानमंत्री कौन कौन से थे? वो थे सबसे पहले पीबी नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ठीक है। और कौन थे? और थे एचडी देवगुड़ा, एचडी देवगुड़ा। और किसके साथ काम किया था? और किया था अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी। और इंदर कुमार गुजराल, इंदर कुमार गुजराल, ठीक है, इंदर कुमार गुजराल। इनके साथ में क्या था? चार प्रधानमंत्रियों के साथ में काम किया था शंकर दयाल शर्मा ने। उसके बाद में है, शंकर दयाल शर्मा के बाद में के आर नारायणन, ठीक है, के आर नारायण। के आर नारायण कब से कब बने थे? ये बने थे 1997 से 2002 तक, 97 से लेके 2002 तक। ये क्या था? ये प्रथम दलित, प्रथम। और क्या था? 20वीं व 21वीं सदी में रहने वाले राष्ट्रपति, ठीक है। 1997 ये कौन सी थी? 20वीं थी। और फिर सीधा 2000 वाले में आ गए तो वो 21वीं शताब्दी होगी। दोनों शताब्दियों में काम करने वाले कौन थे? के आर नारायण थे, ठीक। और ये राजदूत भी रह चुके, उपचायुक्त भी रह चुके हैं, एम्बेसडर भी रह चुके हैं काफी देशों के ये, ठीक है। या तक आप फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। के आर नारायण के बाद में आता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगले कौन से आते हैं? अगले राष्ट्रपति है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कब से कब थे? 2002 से लेके 2007 तक रहे थे, 5 साल का टाइम पीरियड था, 2002 से लेके 2005। अच्छा, काफी बार आप क्या आता है कि एपीजे की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो एपीजे की फुल फॉर्म क्या है? अबुल आकिर जैनुलाब्दीन, ठीक है, ये एपीजे की क्या होती है? फुल फॉर्म है। इनके बारे में क्या है? दूसरे गैर राजनीतिक, दूसरे गैर राजनीतिक, ठीक है, दूसरे गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। पहले कौन से थे? आपको पता है पहले थे राधाकृष्णन, ये दूसरे हैं। और क्या था? प्रथम वैज्ञानिक, वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने हो, जो राष्ट्रपति बने हो, राष्ट्रपति बने, वो कौन थे? वो एपीजे अब्दुल कलाम थे, वैज्ञानिक जो राष्ट्रपति बने हो। किसके नाम से जानते हैं इसको? इसको मिसाइल मैन, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। प्लस में एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिसको दोनों प्रमुख दलों का समर्थन हासिल था, ठीक है। दोनों प्रमुख दल यानी कि बीजेपी और कांग्रेस का इनको क्या था? समर्थन हासिल था। पता है इनका अगर जन्म की बात करें, इनका जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में हुआ था, रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वर कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर हुआ था। और इनकी डेथ की बात करें 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हुई थी। और यूएन ने, पता है, छात्र दिवस इन्हीं की याद में बनाया है, और कब? 15 अक्टूबर को। इन्हीं के उसके ऊपर क्या है, 15 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस बनाया जाता है इन्हीं की याद में। यूएन ने घोषणा की थी विश्व छात्र दिवस, यूएनओ द्वारा इसकी घोषणा की गई है, ठीक है। और क्या था? अविवाहित थे ये, अविवाहित
राष्ट्रपति, अविवाहित राष्ट्रपति थे। ठीक, आप पता काफी बार हम देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स आ जाती है हमारे पास में, जाती है एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स, और उसके लिए हमने एक जापानी ट्रिक बनाई है। जापानी ट्रिक क्या है? ईट सांग में विटामिन। जापानी ट्रिक क्या है? ईट सांग में विटामिन। ठीक है, ये सारी की सारी बुक्स है, क्या है ये बुक्स है किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम की, अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई। ठीक, अब ये कौन कौन सी बुक है? देखो ई से कौन सी बनती है? ई से बनती है, पहले हम ई से लेते हैं, ई से बनती है एक तो इंडिया 2020, इंडिया 2020। ठीक है, कौन कौन सी बनेगी? एक तो बनती इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ठीक है, एक और ई से एक और हो सकती है आपकी, वो कौन सी है? इग्नाइटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी है। तो ई से दो बुक्स होगी, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, और टैसे है, टैसे है टारगेट 3 बिलियन। ठीक है, ये किससे होगी? टैसे होगी टारगेट 3 बिलियन। और सासे है, सासे करे, तो सासे कौन सी आती है? सासे आती है साइंटिफिक इंडिया, साइंटिफिक इंडिया। ये सारी सारी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में हम जिक्र करने लग रहे हैं। गैसे है, गैसे बनती है गाइडिंग सोल्स, गाइडिंग सोल्स। एक और बनती गैसे, गैसे एक और बनती कौन सी? गवर्नेंस फॉर ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, ये भी गैसे बनती है। उसके बाद में है मे से बनता है मेरे सपनों का भारत, मेरे सपनों का भारत। ठीक है, मे से कौन सी बनेगी? मेरे सपनों का भारत। एक और बन जाती है मे से एक और कौन सी बनेगी? मैनिफेस्टो फॉर चेंज। ठीक है, ये बन जाती है। उसके बाद में अगला आता है मे से, हमने बनाए वी से बनागा विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, कौन सी बनती है? विंग्स ऑफ फायर। पैसे है टर्निंग पॉइंट्स, तैसे बनगी टर्निंग पॉइंट्स। और मी से बनगी मिशन ऑफ इंडिया, मी से कौन सी बनेगी? मिशन ऑफ इंडिया। और इसमें से बनी माय जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन। ठीक है, ये सारी की सारी क्या थी? बुक्स थी जो किसके द्वारा लिखी गई थी? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी थी। इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियन, साइंटिफिक इंडिया, गाइडिंग सोल्स, गवर्नेंस फॉर द ग्रोथ इन इंडिया, मेरे सपनों का भारत, मैनिफेस्टो फॉर चेंज, विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट, मिशन ऑफ इंडिया, माई जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इंटू एक्शन। ये सारी की सारी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा पुस्तकें लिखी गई थी। आप याद तक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उससे अगला है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है,
ये कब बनी थी? 2007 से लेके 2012 तक बनी थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, 2007 से लेके 2012 तक बनी थी। क्या थी ये? पहली महिला थी, पहली महिला जो राष्ट्रपति बनी हो, ठीक है। और एशिया के अंदर अगर पहली महिला की बात करें जो राष्ट्रपति बनी थी, तो अगर एशिया की बात करें, एशिया में पहली महिला राष्ट्रपति, तो वो थी श्रीलंका की चंद्रिका कुमार तुंगे। चंद्रिका कुमार तुंगे कौन थी? श्रीलंका की पहली महिला बनी थी जो कि राष्ट्रपति बनी। और सबसे ज्यादा समाधान, सबसे ज्यादा समाधान देने वाली राष्ट्रपति ही ये, देने वाली राष्ट्रपति कौन बनी है? ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी है। ये आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर होती है कि वो किसी की भी सजा है उसको माफ भी कर सकता है पूरी पूरी, और उसको कम भी कर सकता है, घटा भी सकता है। ये राष्ट्रपति के पास में पावर है। तो समाधान देने वाली सबसे ज्यादा कौन थी? ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और पहली महिला राष्ट्रपति भी कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद में आते प्रणव मुखर्जी। उसके बाद में कौन आएगा? प्रणव मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी ये 2012 से लेके 2017 तक बने। प्रणव मुखर्जी कब से कब तक थे? 2012 से लेके 2017 तक बने थे। अब देखो क्या, ये वेस्ट बंगाल के वीरभूमि जिले के किरनाहर शहर के मिराट्टी से आते हैं, मिराट्टी गांव से हैं, ठीक है। और इनका अगर बचपन का नाम की बात करें तो बचपन का नाम पोल्टू। किसके नाम से जानते हैं हम इसको? पोल्टू के नाम से जानते हैं बचपन का नाम। यूपीए सरकार में कांग्रेस सरकार थी तब ये क्या बन चुके रह चुके हैं? ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं। और क्या था इनके बारे में? ये व्यक्तिगत रूप से तो है 13वें। व्यक्तिगत रूप से कितने नंबर के हैं? 13वें। और कार्यकाल के हिसाब से है 14वें राष्ट्रपति। अब ये कैसे 13वें और 14वें में कंफ्यूजन कैसा? पता है क्या है कि राजेंद्र प्रसाद को दो बारी बन चुके थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद कितनी बार बने थे? दो बारी बने थे। तो इसी वजह से अगर आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो सीक्वेंस वाइज तो कितने पे आते हैं? 14वें नंबर पे आते हैं। लेकिन अगर पर्सनली, अगर मान लो व्यक्ति के हिसाब से देखें कि राजेंद्र प्रसाद दो बारी जरूर बने हैं लेकिन एक ही बंदा था, तो उस हिसाब से कितने नंबर पे आते हैं? 13वें नंबर पर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद में है लास्ट कौन से हो गए? रामनाथ कोविंद है। कब से कब तक 2017 से अब तक, वो भी 25 जुलाई 2017 से अब तक। अब तक, ठीक है। ये कानपुर के परोख गांव से है, कानपुर के अंदर वासे है। प्लस में दूसरे दलित राष्ट्रपति है, ठीक है। और व्यक्तिगत रूप से 14वें है, और कार्यकाल के हिसाब से 15वें राष्ट्रपति,
ठीक है, कौन से नंबर के हैं, 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। पता रामनाथ कोविंद को अब तक के जितने भी राष्ट्रपति चुनाव हुए सबसे कम वोट मिले हैं, ठीक है, इनको क्या है, सबसे कम वोट मिले हैं, सबसे न्यूनतम वोट मिलने वाले राष्ट्रपति, मिलने वाले राष्ट्रपति कौन है, ये रामनाथ कोविंद ही है, सबसे कम वोटों के अंतर से जीतते हैं, पता है रामनाथ कोविंद। इनके अगेंस्ट कौन खड़ी थी, मीरा कुमार हुई थी भी, मीरा कुमार, ठीक है, ये कांग्रेस की साइड से थी और ये बीजेपी की तरफ से इन्होंने समर्थन था, मीरा कुमार को कांग्रेस का और इसको किनका था, बीजेपी का समर्थन था, ठीक है, ये हमारे राष्ट्रपति थे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक राष्ट्रपति, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। बने रहे हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी के साथ में और हमारे YouTube चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें ताकि हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिले। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।